चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग आपके 10 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं 11वें चैप्टर के बारे में। 11वां चैप्टर है आपका प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के बारे में। याद रखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसे आराम से सुनिए। उसके बाद लास्ट में अगर नहीं समझ में आता है, इसका निष्कर्ष भी बताया जाता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपने ही कहीं भूल की है, क्योंकि इतना कठिन एक बुक्स नहीं है कि आपको समझ में ना आए। एक दो बार पढ़ने में आपका समझ में कॉन्सेप्ट जो भी क्लियर हैं हो जाएंगे। ठीक है, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं देख, जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब संपूर्ण अंधकार हो, तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए, आप क्या देखेंगे? मान लीजिए कि रात्रि के समय आप पूर्णता अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का एक बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सौर आकाश में ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकार की में वस्तु प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। कुर्सी, चित्त अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अर्थात विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। बात करते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांटा था। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु। याद रखिए, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पाते हैं तो उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। यदि किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपनी अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को हम लोग पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। यदि किसी वस्तु के आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं तो उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रियाकलाप 1 के बारे में। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्रित कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की सीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूरी रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूरी रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णता या आंशिक रूप से या बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। छायाएं वास्तव में क्या होती हैं? अपित अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने एक गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की एक नोट, एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकारी जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ
में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की सीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपनी किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे किसी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश के स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होती ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाए, ऊपर की ओर इस तरह से जलाइए जैसे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। तब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदेश एक अपारदर्शी वस्तु यानी कि आपका मित्र है। इस तरह आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गद्दे की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़ें। क्या आप छाया सीट पर बनती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें, लकड़ी की इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको के दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हमें हम सभी को वस्तुओं की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। 11.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई हैं। देखिए जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विभिन्न जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करेंगे? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए, उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती हैं? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उनकी छायाओं को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को दूरी के सामने अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा में बनाने में करते हैं। सूची छिद्र कैमरा। शायद आप यह सोचते हों कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्रियां चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5, दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्स का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इस तरह इस प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे फलक पर एक वर्गाकार जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो
काटिए, इसकटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका कर ढक दीजिए इस तरह। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिर से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूरी की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में रखकर पीछे तक खिसकाइए, जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबंध अपनी छाया से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? आश्चर्य। आइए अब अपनी सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी सीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा छिद्र हो। गत्ते की सीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की सीट की छाया के मध्य देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। प्रकृति में एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्षों के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं इस तरह। वास्तव में वृत्ता पर प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब को ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। मूजों के मस्तिष्क में एक विचार है, हम अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देख सकते हैं। सूर्य के प्रतिबिंब के साथ क्या होता है? क्या ये प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं? पहली का कुछ अन्य विचार है। निश्चित ही ये सब परिणाम है जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है। क्रियाकलाप 6। पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे एक में एक तरफ मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रख दें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। 17:1 की तरह क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। 17:11.7 चित्र की तरह क्या आप मोमबत्ती दिखाई देती है? इस तरह पाइप को अपने दाएं या बाईं ओर घुमाएं। क्या आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अब बात करते हैं हम लोग दर्पण तथा परावर्तन के बारे में। हम सभी घर पर दर्पणों का उपयोग करते हैं। आप दर्पणों में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों, अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं।
क्रियाकलाप से, यदि क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे के कमरे में किया जाना चाहिए, अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए, एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं, टॉर्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढक लीजिए, टॉर्च को जलाइए, किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के ठीक बीच कुछ जगह छोड़ें, इस तरह फ्रिकास पुंज, फ्रिकास पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आपकी दूसरी तरफ फ्रिकास का धब्बा दिखते हैं? अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि फ्रिकास का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है हमें कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले फ्रिकास की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि फ्रिकास सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाते हैं। बात करते हैं क्रियाकलाप 8 की। एक बड़े थर्मोकोल की सीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर मैं दर्शाए अनुसार इस तरह दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन सीट बिछाइए, इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। आप क्या अवलोकन करते हो? मैं 9-11-9 में दर्शाया जैसा पैटर्न करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, दीप्त की परिभाषा देख ली होगी। दीप्त आखिर क्या होता है उसे देख, दर्पण को अपारदर्शी सूची छिद्र कैमरे को देखा है, परावर्तन को देखा है, छाया देखिए पारभाषी देखा है, पारदर्शी देखा है। पता है हमें अध्याय को पढ़कर इन शब्दों की अगर परिभाषा समझ में आ गई, आखिर शब्द हैं क्या, तो हम समझ जाना चाहिए कि हमने सही ध्यान से इसको अध्याय को पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं परिभाषाओं को समझाने के लिए पूरे अध्याय में आपका एक कहानी का रूप दे दिया है। इसमें सारांश क्या है इस अध्याय का? अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से में से होकर नहीं जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूरी और दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभाषी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसे छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये अभ्यास के लिए, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर चाहे आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां से देखते रहिए। इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ना समझने लायक इतना टेंशन लेने लायक, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा गया है यार। तो इतना मत सोचिए। ठीक है, ये आपका 11वां चैप्टर खत्म हो गया। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत तथा परिपथ के बारे में। ठीक है।